बड़का समाचार के बाद बेरा है खबर छत्तीसा के। खबर छत्तीसा मा आवा देखथन खबर विस्तार से। रतनपुर के भैरवनाथ मंदिर करा उद्यान निर्माण, पुष्प वाटिका मा पौधारोपण और स्टील बाउंड्री वाल निर्माण पर ठेका दे गए रहिस, जिनहा अनियमितता के भेंट चढ़ गईस और स्टील बाउंड्री वाल पहली ही बरसात मा धराशायी हो गईस। देखो रिपोर्ट। नगर पालिका परिषद रतनपुर द्वारा राज्य प्रवर्तित योजना के तहत साल 2017-18 में भैरव बाबा मंदिर करा उद्यान निर्माण पर 36,37,000 रुपया के राशि स्वीकृत हो रही, जेकर अंतर्गत पुष्प वाटिका में पौधारोपण, पथ निर्माण और उद्यान परिसर ला सुरक्षित रखे पर चारों मुड़ा स्टील बाउंड्री के निर्माण होना तय हो रही। ये कार्य के ठेका स्थानीय ठेकेदार शिव बघेल ला मिलीस। उद्यान के भीतर पथ निर्माण और उद्यान परिसर ला सुरक्षित रखे पर ओखर चारों मुड़ा स्टील बाउंड्री के घेरा लगाए गई। ये बाउंड्री वाल पहली बरसात में ही धाराशायी हो गई, जेखर ले ये साबित होते कि निर्माण कतका घटिया हो रही। एकर कालम और बीम जमीन में ठीक से पकड़ ही नहीं बना पाईस, जेकर चलते उद्यान के पाछू के बाउंड्री वाल धाराशायी हो गई। ऐसे में मवेशी मनला आए जाए के रास्ता मिल गए है, जेकर कारण वहाँ लगे फूल पौधा मनला गाय बकरी मन के द्वारा सफाया कर जाते। ये संबंध में हमर रिपोर्टर द्वारा नगर पालिका अधिकारी होरी सिंह ठाकुर ले ये संबंध में जानकारी ले गई। इसके बघेल कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया था और काम भी उसका अंतिम नहीं हुआ है, अभी हमको काम होने के बाद हमको भी हैंड ओवर भी नहीं हुआ। कालीन समय में ये बात संज्ञान में आई थी मीडिया के माध्यम से ही, हमने ठेकेदार को बुला के बोला था कि काम दुरुस्त कर दें, इसलिए हमने उसको फाइनल भी नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो निश्चित तौर पर एक बार दिखवा के उसको दुरुस्त करने का प्रयास अपन करें। काम कराया जाएगा क्योंकि द्वारा कहा गया था, मुझे इस बात को लेकर उन्हें एक बार निरीक्षण स्वयं करना पड़ेगा, एक निरीक्षण कराना पड़ेगा कि उन्हें वास्तव में काम किया कि नहीं किया। मतलब ठेकेदार के द्वारा ध्यान नहीं दिया जा जी, लापरवाही की जा रही है। ठेकेदार तो लंबे समय से शायद स्वास्थ्यगत कारणों से आए हुए भी नहीं है। रतनपुर ले डिजिटल रिपोर्टर गुरुदेव सोनी के रिपोर्ट।